हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुमंगल सिन्हा। आप सभी का स्वागत है हमारे अपना चैनल ignoshiksha.com में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की पेपर टू, जो है पेपर टू की यूनिट वन एजुकेशनल स्टडीज। जो है एजुकेशनल स्टडीज में वेस्टर्न फिलोसफी जो पार्ट है, वेस्टर्न फिलोसफी के रियलिज्म जो है, रियलिज्म के लेके हम बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 का जो यूजीसी नेट जोन में जो एग्जाम होने वाला है, इसमें रियलिज्म से एक क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है दोस्तों, इसलिए हम रियलिज्म को लेके बात करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं रियलिज्म क्या है। रियलिज्म में ऐसा एक बात है, ऐसा एक इज़ोम है जो रियल है इनको ही मानते हैं, जो रियल नहीं है उसको नहीं मानते हैं। तो आइए देखते हैं रियल क्या है। रियल में यह है फिजिकल वर्ल्ड जो है, जिस वर्ल्ड को हम देखते हैं, जो वास्तव में स्थित है, इसे रियल कहते हैं। रियल वर्ल्ड को रियलिज्म ने स्वीकार किया है। रियल जो नहीं है, जो भावनाओं में है, इनको स्वीकार नहीं किया है रियलिज्म ने। तो रियलिज्म का जो अभिमत है, जो थिंकिंग है, रियलिज्म का जो भावना है, इसके अनुसार और सेंसेस जो है, हमारा जो सेंस है, ये भी रियल है। यूनिवर्स जो है इंडिपेंडेंस ऑफ आइडिया, हमारे आइडिया के ऊपर यूनिवर्स का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्स इटसेल्फ एग्जिस्ट, यूनिवर्स का एग्जिस्ट होने के लिए किसी की भावनाओं के ऊपर ये निर्भरशील नहीं है। एक तो क्या है, हम जो चीज एग्जिस्टिंग है, जो चीज एग्जिस्टेड है, इसे हम कैसे जानते हैं? हाँ दोस्तों, इसे इनका साइज जो है, वेट है, कलर है, शेप जो है, इसके ऊपर, इसके अनुसार हम रियल एग्जिस्टिंग जो मटेरियल से इनके हम जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं रियलिज्म का जो एक्सपोनेंट है, उनसे जो इम्पोर्टेंट है हम बात करेंगे। एरिस्टोटल है, उनके बात है, या मिल्टन है, जॉन लॉक है, रासेल है, उन्होंने रियलिज्म को काफी सारा मजबूत बनाया। रियलिज्म का जो बातें हैं वो हम तक पहुंचाया। तो आप देखते हैं, रॉस ने एक डेफिनेशन दिया है रियलिज्म का, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, हम बात करेंगे इस डेफिनेशन के। द डॉक्ट्रिन ऑफ रियलिज्म asserts that there is a real world of things behind the corresponding to the objects of our perceptions. हमारे perception के ऊपर कुछ चीजों का existence होना या नहीं होना कभी भी निर्भर नहीं करते हैं। तो हम बात करेंगे realism की, realism का forms of realism, क्या क्या form है realism का, ये भी हम बात करेंगे। पहला है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, रियलिज्म का एक फॉर्म है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। दूसरे है सोशल रियलिज्म, और तीसरी है साइंस रियलिज्म, और लास्ट में जो है डेवलप किया है वो है न्यू रियलिज्म, न्यू रियलिज्म यानी नई रियलिज्म। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म की, रियलिज्म का क्या क्या प्रिंसिपल है। फेनोमेनन वर्ल्ड इज ट्रू, रियलिज्म ने पहले भी कहा है, मैंने रियलिज्म जो वर्ल्ड है वो ट्रू है, फेनोमेनल। उस बाद में जो है हमारा नॉलेज जो आता है, इसका डोर है सेंसेस, हमारे जो सेंसेस है वो है डोर्स ऑफ नॉलेज। ऑपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म ने जितने बात कही है, जो भावनाओं की बात कही है, रियलिज्म ने आइडियलिज्म का जितना भावनात्मक जो बात है ये इन्होंने खंडन किया है, उनका ऑपोज में कुछ रियलिज्म को एस्टैब्लिश किया है। तो रियलिज्म के अनुसार, रियलिज्म को बोला है कि पार्ट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है मैन, ह्यूमन बीइंग मटेरियल वर्ल्ड के एक पार्टी है। एम्फासाइज ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर रियलिज्म ने एम्फासाइज किया है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के लिए रियलिज्म एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलते हैं।
कुछ भावनात्मक बातों को लेके रियलिज्म अपना थ्योरीज को एस्टैब्लिश नहीं किया है, रियलिज्म भावनात्मक बात को नहीं मानते हैं, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के द्वारा जितने बात एस्टैब्लिश होते हैं इनको स्वीकार करते हैं। प्रेजेंट लाइफ को हम स्टूडेंट्स को या हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ को सुखी बनाने के लिए, जॉयफुल बनाने के लिए जितना प्रिंसिपल्स है इनको रियलिज्म ने स्वीकार किया है। बेस्ड ऑन साइंस, साइंस के ऊपर जो भावना है, साइंस का जो प्रिंसिपल्स है उनको मान के एडुकेशन को ले जाने की जो बात है वो रियलिज्म ने करते हैं। हमारा बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट, हमारा बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले जाके वो सही क्या है इसे एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंस जो थिंकिंग है, जो एडुकेशन के लिए इसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसमें एक और जरूरी बात ये है दोस्तों, जो है बुकिश नॉलेज, केवल बच्चों लोग किताबी नॉलेज के लेके आगे जाएंगे ऐसे बात को रियलिज्म ने वो स्वीकार किया है, स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि रियलिज्म में जो एडुकेशन होगा वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे होगा, खुद करेगा, खुद सीखेगा, ऐसा मोटिव में होगा। इसमें रियलिज्म में क्या करते हैं, दूसरी बात जो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को काफी वैल्यू देते हैं। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल के सुख के लिए जो चाहिए वो सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए। अब हम बात करेंगे रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एडुकेशन की। क्या है? प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल। जो बच्चों लोग सीखेगा उसका लाइफ को हैप्पी एंड सक्सेसफुल बनाने के जो एडुकेशन है, जिस टाइप की एडुकेशन की जरूरत है वो रियलिज्म ने देगा। बाद में जो आता है पॉइंट वो है चाइल्ड फॉर ए रियल लाइफ। रियल लाइफ के सर्वाइव करने के लिए जितना फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, मेंटल पावर्स की जरूरत है, वो एडुकेशन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी में चाइल्ड सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो यहाँ और एक चीज ऐड किया है जो डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंस, चिल्ड्रेंस के अंदर क्या है, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंस को लाना चाहिए। नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट को उन्होंने स्वीकार किया है, साथ साथ वोकेशनल डेवलपमेंट, जो ही वोकेशनल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके स्टूडेंट को सिर्फ किताबी सिखाई नहीं, इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाइफ को सर्वाइव करना है इसके लिए जो ट्रेनिंग है उनको इसमें दिया जाएगा। यूटिलिटी एंड नीड, हमारा जो नीड है, बच्चों को जो नीड है इनको इसमें मद्देनजर रखते हुए क्या है, डे टू डे जो एक्टिविटी है इनको कारिकुलम में लाया जाएगा। जैसे कि नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस है, हेल्थ कल्चर है, फिजिकल एक्सरसाइज, मैथ, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इतने कुछ सब्जेक्ट को इसमें डाला जाएगा। बाद में देखते हैं दोस्तों क्या मेथड ऑफ टीचिंग में क्या है। साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स को रियलिज्म ने स्वीकार किया है। इसमें है इनफॉर्मल मेथड भी है, सेल्फ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च मेथड, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड कोरिलेशन मेथड्स को इसमें शामिल किया है। टीचर के इधर जो रियलिज्म है, रियलिज्म ने टीचर का जो वैल्यू है वो काफ़ी स्वीकार किया है। टीचर ने ही कुछ डेवलपमेंट स्टूडेंट के साइंटिफिक नॉलेज के डेवलप कर सकते हैं। सो टीचर को भी एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए जिसमें वो स्टूडेंट को साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप कर सके। डिसिप्लिन के बारे में आदमी को, स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को क्या करना चाहिए, इमानसिपेट करना चाहिए, यानी जो सही मानवता जो है वो इनमें सही मानव बनाने के जो प्रयास है वो टेक्निकली उनके अंदर लाने की कोशिश करेगा। स्कूल क्या होगा, स्कूल होगा एक वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूट जिसमें होगा मिरर ऑफ सोसाइटी। एक स्कूल को देखते हुए एक समाज के पहचानना
एक स्कूल में एक समाज के जो अंतकरण है वो देखा जाएगा, ये रियलिज्म का मानना है। रियलिज्म और भी कहता है क्लासरूम के अंदर क्या होगा, 3 आर्स के डेवलप होगा, 3 आर्स के डेवलप, यानी रीडिंग राइटिंग एंड एरिथमेटिक जो कैपेसिटी है वो काफी डेवलप होगा क्लास में। और क्या होगा, क्लास एनवायरमेंट हाईली स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज होगा। क्लास क्या है, एनवायरमेंट हाईली स्ट्रक्चर, इसमें इक्विपमेंट होगा, ऑर्गेनाइज होगा, टाइम की तरह चलेगा सब कुछ, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोसेस इसमें होंगे, एजुकेशन शुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कोई बोर्डम नहीं होना चाहिए, शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ। टीचर ने स्टूडेंट को रियल लाइफ में जितना सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जितने सारे टास्क उनको करना होगा, इसके लिए रेडी कर देगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का क्या सुविधा है। पहला तो जो है ये प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन, जो प्रैक्टिकल है इस बात कर लेके रियलिज्म आगे चलते हैं, इम्प्रैक्टिकल कई बात कर रियलिज्म में स्वीकार नहीं की है। दूसरी बात जो है नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी को रियलिज्म ने पहले नजर में रखा है। नीड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या जरूरत है उनको पुराने के लिए, उनको मिटाने के लिए जो शिक्षा है वो दी जाएगा। मेथड्स ऑफ इम्पोर्टेंस में क्या है, इसमें साइंटिफिक मेथड को इम्प्लाय किया जाएगा, स्टूडेंट को लर्नर को एक सही इंडिविजुअल बनाने के लिए साइंटिफिक टेक्निकल एंड रेशनल जो नॉलेज है वो दिया जाता है इसमें। चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न में ये स्कूल को सोसाइटी के मिरर के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, ये था एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का भी कुछ लिमिटेशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों। पहला जो लिमिटेशन से वो है ये, रियलिज्म ने बहुत ही एम्फसाइज किया है फिजिकल वर्ल्ड को, वो फिजिकल वर्ल्ड को इतना माना है कि जो फिजिकल वर्ल्ड के बाहर जो भावनात्मक दिख है उनको स्वीकार नहीं की है। जो लिटरेचर है, जो लैंग्वेज है, इनका डेवलपमेंट जो है, इमेजिनेटरी जो प्रोसेस है उनको रियलिज्म ने छोड़, उनका थिंकिंग प्रोसेस में, उनका फिलोसफी से बाहर निकाल दी है, जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी सारा जरूरत भी है। तो इसके साथ साथ क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज वैल्यूज को भी थोड़ी कम महत्व दिया है, उनको भी थोड़ा छोड़ के हट के बात की है। ये भी प्रैक्टिकल जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था रियलिज्म के बारे में आज कुछ बातें, शायद आप सबको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और तो प्लीज़ आप जितने दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ साथ लाइक एंड शेयर भी प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।